नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आज एक और भर्ती और निकाल दी है। लाखों कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे दोस्तों इस भर्ती का, और लगातार पिछले 2-3 दिन से भर्तियां आ रही हैं। कल परसों जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें भी मैंने बताया था कि बहुत ही जल्दी पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती आएगी, तो ग्राम सचिव की भर्ती आ चुकी है दोस्तों। 697 पोस्ट हैं कुल मिला के, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और बहुत ही जल्दी क्लर्क और ग्रुप डी की भी भर्तियां निकलने वाली हैं। देखिए आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, यहाँ से इसके ऑनलाइन जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे वो है 19 जून से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे दोस्तों, और लास्ट डेट इसकी रहेगी 3 जुलाई 2019। 6 जुलाई तक आप इसकी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। तो पूरा डिटेल जो है इसकी चेक कर लेते हैं। ये लिंक है, यहाँ से इस पे आप जाके जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 697 पोस्ट हैं। अब कैटेगरी वाइज कितनी है वो सारा चेक कर लेते हैं दोस्तों। और सैलरी भी जो है बहुत अच्छी है पंचायत सेक्रेटरी की, तो ये यहाँ पे आपके सामने पूरी डिटेल जो है यहाँ पे है। ये देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, 697 पोस्ट हैं दोस्तों। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो ये कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ डाल रखी है, जनरल SC BCA की हैं, BCB के हैं और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हैं। तो टोटल पोस्ट 600 आपके सामने हैं। अब चेक कर लेते हैं और मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए क्या रहेगी दोस्तों। इसमें डाउट करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्लियर मेंशन इन्होंने कर रखा है कि कैंडिडेट जो है BA पास होना चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। बिल्कुल मेंशन है क्लियर, कैंडिडेट BA पास होना चाहिए और 10वीं क्लास तक जो है हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एज जो है 17 साल से लेकर 42 साल तक होनी चाहिए दोस्तों। और ये पे स्केल आपके सामने है, पे स्केल बहुत ही अच्छा है, 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक पे स्केल है दोस्तों। और इसके अलावा आपको पता है कि हरियाणा सरकार के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है हरियाणा गवर्नमेंट के जॉब में, तो बेनिफिट उनको और भी बहुत ज़्यादा मिलता है। अब रही बात एज रिलैक्सेशन की, देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का मामला है। SC जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट है दोस्तों, बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स को भी छूट है नियमानुसार, और फिजिकल हैंडीकैप को भी छूट है दोस्तों, 10 से 15 साल तक की छूट है फिजिकल हैंडीकैप की। जो SC के कैंडिडेट हैं उनको 15 साल तक की छूट है, एक्स सर्विसमैन को भी छूट है दोस्तों एज पर रूल जो भी है। और इसके अलावा जो है छूट है यहाँ पे, ये देखिए वीडियो के लिए छूट है दोस्तों, तो 47 तक जो है मैक्सिमम एज 47 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो वीडियो के केस में कैंडिडेट्स। अब रही बात फ़ीस की, ये देखिए फ़ीस की यहाँ पर मेंशन है बिल्कुल क्लियर, फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। जनरल के लिए मेल कैंडिडेट जो हरियाणा से हैं 100 रुपये फ़ीस है, फीमेल के लिए सिर्फ 50 रुपये फ़ीस है। SC BC और EWS के लिए जो हरियाणा के कैंडिडेट मेल के लिए 25 रुपये फ़ीस है और फीमेल के लिए 13 रुपये फ़ीस है। फ़ीस बिल्कुल कम है, ज़्यादा नहीं है। अब रही बात देखिए यहाँ पे फ़ीस को हम कैसे पेमेंट करवा सकते हैं, 2 तरीके हैं दोस्तों, या तो नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करवाओ या फिर ई चालान से, और जो ई चालान होगा वो बैंक ऑफ इंडिया का होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या फिर पंजाब नेशनल बैंक या फिर IDBI बैंक से का जो ई चालान होगा उसके थ्रू हम पेमेंट करवा सकते हैं। नेट बैंकिंग से भी आप करवा सकते हैं पेमेंट इसकी, तो बाकी जो है एज पर रूल जो है सेम रहेगा दोस्तों। सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी बिल्कुल क्लियर है, जैसे पीछे जो भर्तियां निकली थी दोस्तों पटवारी के लिए, कैनाल पटवारी के लिए और पुलिस के लिए जो निकली थी, सेम क्राइटेरिया है। टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, वैसे रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो 90 नंबर का होगा, और 10 नंबर होंगे आपके सोशियो इकोनॉमिक नंबर के, सोशियो इकोनॉमिक एक्सपीरियंस के 10 नंबर होंगे, रिटर्न एग्जाम 90 का होगा। वेटेज वही मिलेगी दोस्तों, 75% वेटेज जो है बिल्कुल क्लियर मेंशन है, जैसे पटवारी की भर्ती में था उसी तरह सेम है, 75% वेटेज ये देखिए यहाँ पे है। इसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों, इंग्लिश है, हिंदी और जो भी रिलीवेंट सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मैटर आएगा। 25% में आएगा हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट और कल्चर ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा की वेशभूषा से सभ्यता संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल मिला के ये सिलेबस है। जो कैंडिडेट रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, कंपटीशन थोड़ा सा टफ जरूर हो जाता है क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है इसके अंदर मेन पॉइंट्स ये है कि एक्सपीरियंस के भी नंबर हैं दोस्तों, 8 नंबर मैक्सिमम एक्सपीरियंस के मिल सकते हैं। अब ये देखिए इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है, एक चीज़ आपके कमेंट्स आए उससे पहले ही बता देते हैं आपको क्लियर, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है दोस्तों एग्ज़ाम का शेड्यूल 13 जुलाई 2019 से लेकर 18/8/2019 तक इसके एग्ज़ाम चलेंगे, और जो एग्ज़ाम होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है दोस्तों, CBT बेस्ड भी हो सकता है या फिर OMR शीट पे होगा, वो बाद में डिसाइड होगा, और एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होगा डेट और प्लेस एग्जैक्ट,
लेकिन आप ये मान के चलिए कि 13 जुलाई से लेकर स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट में 18-8 तक जो है एग्ज़ाम चलेंगे। उसके बाद है दोस्तों मेन पॉइंट्स और क्या है इसमें चेक कर लेते हैं। बाकी तो सारा नॉर्मल है, जैसे पिछली भर्तियाँ निकली थी सेम वही है। और ये नोटिस जो है अभी अभी आया है, साइट भी जो बिजी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बिजी साइट है ये, देखिए 14 जून 2019 की। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लाखों कैंडिडेट हरियाणा में तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनको पता लगे कि हाँ भर्ती निकल चुकी है, ताकि वो मेंटली अपने आप को तैयार करें। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।